रेखा जी का नाम सबसे पहले पटल पर आया जी बहुत बहुत स्वागत आपका सुषमा सेहरावत जी बहुत स्वागत आपका क्या बात है कुलदीप कौर जी नमस्ते प्रणव भारती जी बहुत स्वागत और आगमन मतलब पवन जैन जी की तरफ से ये होगा स्वागत जी अन्नदा पाटनी जी अमेरिका से हमेशा की तरह डॉक्टर दमयंती शर्मा क्या बात है मैं फिर सजने लगी <laughs> बहुत अच्छा और थोड़ी सी आज मुझे एक दो मिनट की शायद देर हो गई है जी जी आ, कुछ लिख रही जी जी ये बहुत स्वागत दमयंती जी बहुत आभार आपका और आप सब आ जाते हैं तो बस फिर वो एक वो जैसे होता है ना अंतरंग एक महफिल बन जाती है एक आतमी ताप भर जाती है औपचारिकताएं ख़त्म हो जाती हैं और तो श, आज सबसे पहले तो सभी को लोहड़ी की मकर संक्रांति की पोंगल की बिहू की बहुत सारी शुभकामनाएं मीनू खरे जी बहुत स्वागत आपका और नफीस साहब बहुत स्वागत आपका विनय कुमार जी स्वागत जी जी तो <laughs> जी 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 एकता जी नमस्ते सुलेखा मिश्रा जी नमस्ते जी अब सुलेखा जी हैं डॉक्टर प्रेम बिहारी मिश्र जी भी ज़रूर होंगे और तो देखिए फिर सब अपने सब आत्मीय लोग जुड़ गए हैं और तो इस और देखिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने एक वो भारत का नक्शा सा बना के भेजा ये सच बात है कि हम अंग्रेज़ों ने बाद में उस तरह से जोड़ा या हम भारत भारत राष्ट्र बने लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सदियों से ऐसे ही जुड़े हुए हैं चाहे असम हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे कोई हो भाषाएं कुछ भी हो क्षेत्र कुछ भी हो हों वही संस्कृति है वही उसी तरह हमारे पर्व त्योहार हैं उसी तरह के हमारे जीवन मूल्य हैं तो ये वही एक अच्छा लगता है एक साथ इतने सारे त्योहार और जाहिर सबका संबंध उससे है महेश भटनागर जी बहुत स्वागत है कि एक फसल से हम फसल से और मौसम से हमारे त्योहार जुड़ते हैं जीवन में उल्लास और उमंग भरने के लिए हमारे ये सब त्योहार आते हैं और तो ये नए एक नई उमंग दे करके के जाते हैं अब जैसे मान लो किसी ने सर्दी इतनी है नहीं ना आया होगा तो आज तो ना आया होगा मकर संक्रांति इसलिए तो बहरहाल चलिए अब अच्छी खासी संख्या हो गई है तो बात की जाए पाठशाला की अब देखिए ये जो आज जो हम ले रहे हैं भक्ति और अध्यात्म तो इसमें कुछ आपको सिखाने के लिए तो इसमें नहीं है या कोई उस तरह की विधा भी नहीं है लेकिन कविता का एक स्वरूप है जो मुझे लगा कि छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये अब सुषमा जी यहाँ जुड़ी हुई हैं तो भक्ति काल तो हम सब जानते हैं फिर वो रहस्यवाद छायावाद आता है तो ये ऐसा कि ये कविता चाहे कितने पहले चले जब पीछे चले जाइए आप वो कभी इतने अष्टछाप के कवि हों कबीर रहीम रसखान सब वो भक्ति के जो नरोत्तम दास जितने भी हैं तो वो श्रृंखला चलती आ रही है उसके बिना हमारा जब हम जीवन भी नहीं है हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति वो भले ही हम उसे अल्लाह को माने और कोई धर्म हो कोई पूजा घर हो कोई ग्रंथ हो लेकिन कहीं ना कहीं उस विराट सत्ता को तो हम सब मानते ही हैं और उसमें से कुछ नास्तिक भी होते हैं चलिए वो एक अलग धारा है वो भी ठीक है तो ये है कि इसलिए वो जो कुछ हमें प्रभावित करता है वो कविता में भी आता है तो ये कविता का ये धारा तो चलती ही चली जा रही इसमें कोई शक नहीं और बात को आसान बनाना हो तो सिनेमा में देखिए वो कितने भक्ति गीत हैं जो हम और सुबह सुबह रेडियो चलाइए तो सबसे पहले भक्ति संगीत आता है और उसमें फिर फिल्मी भजन भी आते हैं और गैर फिल्मी भी आते हैं तो एक सिलसिला है ओम जय जगदीश हरे कितने करोड़ों लोगों ने गाया है करोड़ों लोग गाते रहेंगे श्रद्धा राम फिलोरी जी की लिखी ये आर मतलब उसको हमने तो भक्ति में डाल लिया एक वो आरती में बना लिया या उसको भक्ति गीत कह लें जो भी कह लें और वो निरंतर लेकिन कहना ये था कि आज के उसमें कि और इसी तरह अध्यात्म का है अध्यात्म जहां सीधे-सीधे हम किसी आ, मतलब एक किसी देवता की पूजा ना करके और हम जहाँ हम खोजते हैं कि ये हम अगर मनुष्य हैं तो हम कुछ अलग हैं हमारा जीवन क्या है और ये सृष्टि क्या है ये प्रकृति क्या है ईश्वर है तो कहाँ है क्या है ये जो खोज है वो कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है तो वो भी जैसे तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम सिनेमा से आसान हो जाता है समझाना और या फिर नदियाँ चले वो जो आपका ओहरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना तो ये जो प्रकृति को लेकर हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन तो वो अध्यात्म तो कहीं ना कहीं आता जितना पूरा सूफी संगीत है या जो वो सारा कुछ वही अध्यात्म है और चाहे उर्दू हो चाहे कोई भाषा हो उससे बचने बचा नहीं जा सकता गालिब साहब को याद करिए न था कुछ तो खुदा था कुछ ना होता तो खुदा होता मिटाया मुझको होने ने ना हो मिटाया मुझको मुझको होने नहीं ना होता तो मैं क्या होता तो गालिब में देखिए तो कहीं ना कहीं उपनिषद मिलेंगे वेद की बातें मिलेंगी वो तमाम सारी चीज़ें मिलेंगी और अब चाहे उनको ले लीजिए आप इकबाल साहब को और और वो आ, कभी है हकीकत मुंतजर नज़र लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प उठे हैं तेरी ज़बीन न्याज में तो मैंने कहा ना कि उर्दू हो और हिंदी हो कुछ हो और ये सिलसिला लगातार जारी है कहना ये था कि ये कोई रुका नहीं है अभी भी हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अब जैसे सरस्वती वंदना है बिना उसके तो नहीं कार्यक्रम होता उधर मुशायरा है तो नात हो नातिया कलाम होता है तो वो ये धारा कहीं ना कहीं चलती जाती है और बहुत अच्छे से चल रही है मुझे इसलिए मुझे ध्यान आया कि इस वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए सुनाने के लिए उदाहरण के लिए तो पता नहीं कितने उद्धरण दिए जा सकते हैं हजारों लेकिन कुछ कुछ जैसे अगस्त के महानायक श्री राम ये महाकाव्य आया राजेश्वर वशिष्ठ जी का बिल्कुल नई शैली में लिखा हुआ है मुक्त कविता में है और मैं इसका एक अंश सुनाता हूँ देखिए ये इन्होंने अब कितने राम कथा पर तो हजारों ग्रंथ लिखे गए हर भाषा में लिखे गए पूरी दुनिया में लिखे गए लेकिन अब इन्होंने ये बहुत पुराना नहीं है और, और इसमें मनु भगवान श्री राम का एक बिल्कुल मनुष्य रूप हमें नज़र आता है और वो बिल्कुल एक अलग तरह का काम है इसलिए उसको रेखांकित करना मुझे जरूरी लगा अब इसका एक अंश सुनाता हूं शुरू का ही इक्यासी करीब इसमें अध्याय है छोटे बड़े और ३८० सौ पेज के, के करीब का ये वो संग्रह है महर्षि अब देखिए ये प्रसंग ये है कि वो जब लव को वो बताते हैं कि आप ही के पुत्र हैं और फिर सीता को लेकर बात होती तब का प्रसंग है ये कि महर्षि क्षमा करना राम कह रहे हैं महर्षि क्षमा करना यह आपका अपमान नहीं कौशल नरेश का दायित्व वहन करते हुए लोक भावना के समक्ष मेरा समर्पण है लोक भावना के समक्ष अब ये तब की बात है जब राज, राजशाही थी जब राजा का राज होता था हजारों साल पहले लेकिन लोकतंत्र की जड़ें कैसे हमारे भारत की मिट्टी में है इसको महसूस करिएगा और आज तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहने के लिए देखिए अब वो कितना लोकतंत्र है उसमें कितना वीआईपी तंत्र है और जनता की कितनी सुनी जाती वो मैं आप पर छोड़ता हूं तो बहरहाल बात चल रही थी राम भगवान राम की तो वो कहते हैं कि कौशल नरेश का दायित्व वहन करते हुए लोक भावना के समक्ष मेरा समर्पण है मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम राजा नहीं प्रजा है भगवान राम कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम राजा नहीं प्रजा है मैं लज्जित हूं कि शील और आचरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी मुझे सीता को भेजना पड़ा इस विकट वन में तो मैंने एक अंश थोड़ा सा सुनाया और इसी तरह से तरह तरह की रचना मैंने कहा ना सरस्वती वंदना तो होती है तमाम और भगवान राम को लेकर भगवान कृष्ण को लेकर के तरह तरह की वंदनाएं होती हैं तरह तरह के प्रसंग लिए जाते हैं जैसे ये इंदु निगम जी का एक की रचना है जिसमें गणेश की वंदना है आ, उसका अंश में सुनाता हूँ गणपति गणेश बप्पा तेरा हमें सहारा आई कठिन घड़ी तो हमने तुझे पुका, तुम्हें पुकारा कणकण में है समाया भक्तों के मन को भाया पूजा प्रथम तुम्ही को पहले तुम्हें मनाया विघ्नों का नाश करके तुमने हमें उबारा गणपति गणेश बप्पा तेरा हमें सहारा तो ये मैंने कहा ना कि ये सिलसिला निरंतर जारी इसलिए मैं आज के जो हमारे समकक्ष लोग हैं मैं उनकी रचनाएं सबूत के तौर पर प्रस्तुत करूंगा लेकिन उसके पहले जो एक श्रृंखला चल रही है अब जैसे निराला जी हैं देखिए तो मैं जानबूझ मैंने वो भक्ति रचनाएं नहीं ली हैं अध्यात्म पर ज्यादा ध्यान दिया है जैसे कि मैंने शीर्षक में भी शीर कहा था आध्यात्मिक कविता तो निराला जी की रचना यह मैं गीत लेता हूं जहां वो एक किसी खास देवता की पूजा नहीं है बल्कि उस विराट सत्ता के प्रति एक समर्पण है उसकी पुकार उसका आवाहन है भर देते हो बार बार प्री करुणा के किरणों से शुद्ध हृदय को पुलकित कर देते हो मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर कर जाते हो व्यथा भार लघु बार बार करकंज बढ़ाकर अंधकार में मेरा रोदन सिक्त धरा को के अंचल को करता है क्षण क्षण कुसुम कपोलों पर वो लोल शिशिर कण तुम किरणों से अश्रु पहच लेते हो नवप्रभात जीवन में भर देते हो मैंने सिर्फ अंश आपको सुना रहा हूं महादेवी जी की कितनी रचनाएं हैं उसमें अध्यात्म ही अध्यात्म भरा पड़ा है क्या पूजन क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे मेरी श्वासें करती रहती का अभिनंदन रे पद रज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकण रे अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरा पीड़ा का चंदन रे स्नेह भरा जलना है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे यहां भी मैं अंश सुना रहा हूँ पूरी रचना नहीं सुना रहा हूं तो वो कौन है कहाँ है कैसे है लेकिन कहीं उसको देखने की चाह कहीं उससे मिलने की चाह वो एक इस पर जो है वो रचनाएं होती रहती हैं अब जैसे मधुशाला बच्चन जी की अब उसमें कितनी जगह जो है वो भले ही मधुशाला और प्याला और वो मदिरा का है लेकिन मामला कुछ और ही है अब देखिए जैसे एक उदाहरण सिर्फ देता हूं और देखिए कैसे इसमें जो है ना तरह तरह के जैसे यहां जो जो कुछ कहा गया है उसको समझिए मद्रालय जाने को घर से चलता है पीने वाला किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला अलग अलग पथ सब बतलाते लेकिन मैं ये कहता हूं राह पकड़ तू और राह पकड़ तू एक चलाचल मिल जाएगी मधुशाला अब ये मधुशाला जो है अब उसको आप जीवन मोक्ष कह लीजिए या जो भी आप यानी अलग अलग रास्ते मतलब अलग अलग धर्म हैं अलग अलग पंथ हैं और जिसका जहाँ मन लग जाए एक किसी पर भी रहिए और उसके सहारे चलते जाइए तो वही है कि है ये अध्यात्म भले ही मधुशाला है और आपको पता ही होगा कि उनके उनको कैसा विरोध हुआ था शिकायत कर दी गई महात्मा गांधी से तो वो बच्चन जी फिर महात्मा गांधी जी से मिलने गए उन्हें सब सुनाया और वो फिर वो और कि उसके मतलब मानी समझाए तो वो मान गए उस बात को तो ये है और तो मैंने महादेवी जी का भी जिक्र किया आपको और हम जब समकालीनों की बात करते हैं तो हमारे नीरज जी जब हमारे बीच नहीं है लेकिन पूरी उनकी और कवि सम्मेलनों में भी ये भी एक बड़ी बात है कि कवि सम्मेलनों में भी लगातार सुनाते रहे और उसमें इतना अध्यात्म आपको मिलता है चाहे गीत हो चाहे उनकी गजलें हो कहीं ना कहीं उसमें ये वो स्पर्श वो आपको दर्शन के अध्यात्म के मिलते ही मिलते हैं मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको नीरज जी के तमाम उम्र में एक अजनबी के घर में रहा और सफर न करते हुए भी किसी सफर में रहा अब इसके आप सोचिए इसको और समझिए कि बात कहां जा रही है किधर इशारा है तमाम उम्र में एक अजनबी के घर में रहा अपने को ही कोई नहीं जान पाता हम अजनबी अपने से अजनबी बने रहते हैं तो बहरहाल और वो जिस्म ही था जो भटका किया जमाने में हृदय तो मेरा हमेशा तेरी डगर में रहा और मैं तो ढूंढता था जिससे जाके ब्रज के गोकुल में वो शाम तो किसी मीरा के चश्मे तर में रहा तो बजाय मंदिर और इधर उधर पूजा घरों में भगवान को तलाशने के उसको आ, किसी दुखियारे के आंसू में खोजो इस तरह की बातें इस तरह का संदेश सारी भाषाओं के कवि लगातार देते आ रहे हैं लेकिन ये मनुष्य की मानता नहीं <laughs> जैसे है ना कि दिल है की मानता नहीं और बहुत तरह के अलग अलग शेरों में उनके बहुत सारे इस तरह के प्रसंग आते ही रहते हैं दाग मुझ में है कि तुझ में ये पता तब होगा मौत जब आएगी कपड़े लिए धोबन की तरह या अगर जो गीतों की बात करें तो वहां भी वही है कि ए, ओ हर सुबह जगाने वाले और हर शाम सुलाने वाले दुख रचना था इतना जग में तो फिर मुझे नयन मत देता तो वही मतलब तरह तरह के सवाल हम करते हैं उस विराट सत्ता से अपने जीवन को लेकर दुनिया को लेकर प्रकृति को लेकर अलग ये सिलसिला है और जैसे उनका ये गजल वो है कि हम तेरे चाह हम तेरी चाह में है यार वहां तक पहुंचे होश ये भी न जहां है कि कहां तक पहुंचे उसकी खोज में वो न ज्ञानी न वो ध्यानी न बिरहमन न वो शेख वो कोई और था जो तेरे मकान तक पहुंचे तो ये, ये उसमें क्या मतलब जो आप समझ सकते हैं कि, कि इस, कितनी गहरी बात वहां कही गई है तो वही मेरा कहना था कि ये सिलसिला निरंतर जारी है तरह तरह से लोग लिख रहे राजेंद्र निगम राज गए अभी मैंने इंदू निगम जी का की तो उदाहरण दिया था राजेंद्र निगम जी ने भी हम मुझे एक वो रचना भेजी उस कांश में सुनात साझा करता हूँ आपसे सुनते हैं हम सुनते हो प्रभु दीन दुखी की सदा पुकार धरती जैसा संयम दे दो और गंसा दो विस्तार मेरे कर्मों से वचनों से आहत कोई कभी न हो पुण्य आत्माओं की मेरे जग में कोई कमी न हो कोई तो ऐसा दिन आए स्वप्न हमारा हो साकार और एक अंतरा इसमें और सुनिएगा कि कभी तुम्हारा दर्शन होगा सबसे ये ही पूछ रहे यद्यपि मन में ही बसते हो फिर भी उत्तर ढूंढ रहे तुम हो निराकार या फिर है कोई तुम्हारा भी आकार सुनते हैं हम सुनते हो प्रभु दीन दुखी की सदा पुकार तो ये राजेंद्र निगम जी की रचना थी जो मैंने आपसे साझा की और डॉक्टर कीर्ति काले का गीत उन्होंने उनके कई गीत हैं जिसमें आध्यात्मिक स्पर्श आपको मिलता है दर्शन का स्पर्श मिलता है मैं आपसे साझा करता हूं रूप रूप अद्भुत अविनाशी अविकार जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार खिसता है मन उसी ओर बार बार तेरे जैसा तेरे जैसा छैल छबीला देखा नहीं देख लिया सारा संसार अब वो एक खास लय में है उसी तरह से लिखा गया है आ, कमेंट कुमार कमदिल जी आपका स्वागत है और बंद सुनिएगा चार्ल्स अब ये देखिए वही विराट जो स्वरूप है अब वो ईश्वर का है किसका है जिसका भी है कि चाल से चुराया तेरी झरनों चाल से चुराए तेरी झरनों ने वेग बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ चमक से तेरी चांद तारे चमके हंसी देख तेरी फूल खिले जम के है दुनिया सारी रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार रूप अद्भुत अभी, नाशी अविकार जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार खिसता है मन उसी और बार बार तेरे जैसा छैल छवीला देखा नहीं देख लिया सारा संसार एक और एक सुनाता हूं गीत तो बड़ा है लंबा है बाट जो हो जो तेरी पथराए नैन जन मन से है जन्म जन्म से है मन बेचैन और झलक दिखा के छुप गया है कहाँ बावरी से ढूंढती हूं यहां से वहां दरद दिवानी मीरा हूं मैं गिरधर नागर सुन ले पुकार तो ये और इधर मैं कीर्ति जी का गीत के अंश सुना रहा था इधर कीर्ति जी का नाम मेरे पटल पे हुआ बहुत स्वागत कीर्ति जी आपका तो और भी जैसे मैंने कहा कीर्ति जी के और भी गीत हैं और भी जितने गीतकार हैं मैंने कहा ना कि कोई बच नहीं सकता मतलब कि अध्यात्म की की रचना न करे और वो कहीं कहीं अलग अलग शेरों में आता है कहीं गज़ल के में ममता किरण जी का वो है कि कोई आंसू बहाता है कोई खुशियां मनाता है ये सारा खेल उसका है वही जग को नचाता है तो तरह तरह के मैंने कहा ना कि वो स्पर्श आते हैं और और लेकिन हाँ एक रचना मैं चाहता था आपको आ जैसे उनकी अपने रवीना टैगोर जी ठाकुर टैगोर जी की रचना आपसे जरूर साझा करूं और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जब जो बड़े बड़ी रचनाएं होती हैं देखिए ये जो हम जो कुछ हम देखते सुनते हैं वो भी ज़रूरी है जीवन में जो समाज में होता है उसके प्रति जागरूक रहना और जनता को जागरूक करना वो सब तो अपनी जगह है लेकिन कहीं ना कहीं जो है न जब आखिरकार हम आ, उस विराट सत्ता के प्रति ही हमें जो है न आ, उसकी तरफ फिर ध्यान जाता है किसी ने कहे एक, एक उम्र के भी वो होते हैं तकाजे हालांकि बहुत सारे तो जो जो नीरज जी के जो बहुत जिसमें ज्यादा अध्यात्म है रचनाएं जो बहुत सारी रचनाएं वो शुरुआती हैं तो ये कोई हालांकि वो नहीं है लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी कभी तो ये ख्याल सबको आता है और मुझे लगता है वही बड़े र, एक बड़ा रचनाकार भी वही बनता है और जो खाली उलझ के रह गया सांसारिक बातों में या समसामयिक प्रसंगों में तो वो तो चीज़ें समाचार बदल जाती दुनिया बदलती चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं असली चीज़ तो वही है प्रेम और जो शाश्वत है और भक्ति और अध्यात्म और तो वो तमाम सारी चीज़ें जो आती हैं वही शायद जो जीवन से जुड़ती हैं और जीवन का रास्ता सुझाती हैं जीवन के बारे में सोचने के विवश करती हैं हमें बताती हैं कि हम अपने लिए सोचें अपने बारे में सोचें अपने आप को कैसे बदलें वो कहीं ना कहीं ऐसा वही चीजें जो है वो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण होती स्थायी होती हैं बाकी सब तो फिर मनोरंजन है और सामयिक सामयिक है जी तो अब ये टैगोर जी वो मैं मैं छोड़ रहा छूट रहा था देखिए तो मैं वो भी साझा कर लूं और गीतांजलि पढ़िए आप कितना कुछ मिलेगा उसमें उसी विराट सत्ता की बार बार जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो कितनी किन किन को उद्धरित किया जाए हमारे सुमित्रानंद पंत जी की कितनी क्योंकि प्रकृति के उसमें रहसाने उसमें रहे तो वहाँ पर उस उनको तो उस पूरा साक्षात रूप दिखाई दिया ईश्वर का इतनी सारी रचनाएं उनकी इतन, कि बहुत सारे उदाहरण में देना चाह रहा था लेकिन वही समय का अभाव था अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना का अंश सुनिएगा वह पास आकर बैठ गया तब भी मैं जागा नहीं हतभाग्य मुझे ऐसी नींद कैसे आ गई अपने आप को कह रहे हैं कि क्या बदनसीब हूं मैं हतभाग्य जब वह आया था प्रशांत रात की बेला थी उसके हाथों में वीणा थी मेरे स्वप्न उसकी झंकार के स्वर में बह गए थे जागकर मैंने देखा दक्षिण दिशा का पवन चारों ओर अंधकार में अपना गंध प्रसार करता हुआ चल रहा था मेरी सब रातें जाने क्यों इसी तरह निकल गईं मेरी सब रातें जाने क्यों यानी मनुष्य अब हर चीज संकेतों में इशारों में कही जाती है कि कहीं ना कहीं भीतर से हमारे कहीं ना कहीं कोई पुकारता है जैसे मेरा ही शेर है कि वो मैं अब वो, बात आ गई तो कि ये कायनात के मंजर मुझे बुलाते हैं नदी पहाड़ समुंदर मुझे बुलाते हैं पुकारता है कोई मुझको मेरे भीतर से हवस के दायरे बाहर मुझे बुलाते हैं तो मनुष्य जो है वो भीतर से आवाज आती है आत्मा टोकती रहती है लेकिन मनुष्य नहीं मानता वो अपने जो है सब सुख सुविधाओं में रुतबे में हवस में सब कुछ भूल करके और पता नहीं कितने कितने गुनाह करता अपराध करता है पाप करता है और ये सदियों से यही संघर्ष चला रहा है सारा संघर्ष क्या है मनुष्य को मनुष्य बनाने का और वही अध्यात्म का स्वर है कि हम स्वयं को पहचाने जैसे मेरी हाइकू है कि कि पूछा स्वयं से कौन हूं मैं क्या हूं मैं उत्तर शून्य तो या मैं अपनी वो बहुत मैंने कहा ना वो शेरों में कई जगह जब चीजें आती हैं अब जैसे मेरा एक वो है कि पता है थोड़े दिनों का ही अब ठिकाना है हमें यहाँ से बहुत दूर चले जाना है कहा ये रूर उन्हें भटकोगे और कितने दिन वहीं चलो कि जहां अपना आशियाना है ये गजल में एक आता है शेर की वो जिसमें जिसमें मतला यह है कि वफा भले न निभाए कोई जमाने में बुरा ही क्या है जरा सा फरेब खाने में तो उसमें एक शेर आता है कि खुदा से बोलूंगा मुझको अपने पास ही रख खुदा से बोलूंगा अब मुझको अपने पास ही रख फिजूल जाता है सब वक्त आने जाने में तो हम क्यों आते हैं क्यों चले जाते हैं खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बनाकर क्यों मिटाता है मिटाकर क्यों बनाता है तो वो ये जो सवाल उठते हैं हम क्या हैं? इस ब्रह्मांड में हमारी कोई मतलब कोई कीमत है कि की नहीं है हमारा कोई उद्देश्य है कि नहीं है हमारे जीवन का को कोई लक्ष्य है कि नहीं है और वही उसी के लिए लोग कहाँ वनों में गए पर्वतों पे गए गुफाओं में बैठे तपस्याएं तो कि ईश्वर के दर्शन हो जाए वही सिलसिला चल रहा है तो वही कविता में आता है तो आज जो है जैसे मैंने कहा आप मुझे साझा करिएगा मैसेंजर के जरिए उसे जरिए क्योंकि आप सबने भी लिखा होगा मुझे अच्छा लगेगा और अब तक नहीं लिखा है जिन्होंने तो वो मैं चाहूंगा कि वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं हमें इस जो एक बहुत बड़ा पक्ष है कविता का उसकी तरफ भी ध्यान देना ही चाहिए तो बस आज के लिए इतना ही और साढ़े आठ जी हाँ बज गए और समय का पता नहीं लगता इस बीच में स्वीटी जी सिंगल जी बहुत स्वागत है और भी बीच बीच में अब मैं तो बोलने में ही रह गया तो बहुत सारे लोग आए होंगे जी 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 मंजूषा जी मंजूषा श्रीवास्तव जी दमयंती जी लगातार आप लिख रही हैं बहुत अच्छा और कुलदीप कौर जी भी लिख रही हैं आप सब लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो मैं तसल्ली से फिर पढ़ता रहूँगा राजेंद्र निगम राज है, जी हैं जी इंदू निगम जी ने भी कुछ लिखा है तो चलिए जो जो इस बीच रश्मि शाह के जी आपका स्वागत है जो जो लोग यहाँ अभी इस बीच में आए उन सब का अगर मैं नाम नहीं ले पाऊँ तो क्षमा करिएगा मैं तो बोलने में ध्यान बना रहा अजय अज्ञात जी बहुत स्वागत आपका और जी 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 तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहे और लगातार कमेंट करते रहे भास्कर आनंद जी आपका स्वागत है और जो जो लोग और भी जो से मीरा सिंह जी आपका स्वागत है रश्मि अभय जी आपका स्वागत है वाह वाह और जी जी तो बहरहाल आज का समय तो यही है। जो है समाप्त हुआ और अच्छा घड़ी में देख रहा हूं तो आठ उनतीस है तो चलिए अब कहना सिर्फ यही था कि जब हमने शुरू किया था पवन जी ने जब फोन किया था तब ये नहीं सोचा था कि ये श्रृंखला इतनी लंबी चलेगी और जबकि हम गहराई में नहीं गए हैं मतलब घनाक्षरी है और अगर वो घनाक्षरी के बीस प्रकार बताने लगे तो बीस बीस जो है पाठशालाएं और चाहिए सवैये के भेद बताने लगे बीस बाईस तो वो बीस बाईस पाठशालाएं और चाहिए उतनी गहराई में तो हम गए नहीं सिर्फ हमने सिर्फ परिचय कराया ये कोई एकेडमिक पाठशाला नहीं रही कभी भी मैंने कहा ना कि आप सबको सिर्फ कविता के कि कितने सारे स्वरूप हैं उनका पता लग जाए एक दफ़े सब तो सब आप रचनाकार हैं तो बस यही एक उद्देश्य था कोशिश ये है कि कुछ विधाएं छूट रही जैसे सोनेट जो है अंग्रेजी कविता के एक बहुत विध और उसमें बहुत सारे हमारे भारतीय कवियों ने भी बहुत कई कईयों ने लिखा है अगर ऐसी कुछ विधाएं संभव हुआ तो और वरना अब ये और जैसे मैंने कहा था कि कुछ बार जैसे कविता में जो बिंब इमेजरी है या संकेत है या प्रतीक है उन पर थोड़ी थोड़ी बात और हो जाए एक दो पर तो अब ये पाठशाला जो है समापन की ओर ही अग्रसर है लेकिन आप सबका बहुत साथ मिला आगमन का पिछला अभी वार्षिक उत्सव हुआ जो हापुड़ में जहाँ मैं भी गया था तो आगमन को एक बार फिर से बहुत आगमन के सारे सदस्यों को बहुत सारी बधाइयां पवन जी को भी बधाई और इस पटल पर आप सब रहे बहुत बहुत आप सबका आभार शुभरात्रि नमस्कार